देवास जिले में झमाझम बरसात से बागली में बहने वाली नदी उफान पर आ गई, जिसके कारण पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, जिसे पार करने के दौरान वैन नदी में बह गई। किनारे खड़े लोगों ने वैन में सवार लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे एक किशोर को निकाल सके, बाकी लोगों का पता नहीं चल सका। बागली के कमलापुर में देहरिया नदी बारिश के चलते उफान पर थी। पुल के ऊपर से पानी तेज गति से बह रहा था। पुल पर पानी होने के बाद भी एक वैन का चालक नदी को पार करने की कोशिश करने लगा, और देखते ही देखते वैन चंद मिनटों में नदी के तेज बहाव में बहने लगी और ओझल हो गई। दरअसल बागली तहसील के गांव कमलापुर और कैलोद के बीच से निकलने वाली देहरिया नदी बारिश के चलते उफान पर थी। नदी का पानी पुल से तेज बहाव में बह रहा था। नदी के किनारे पर खड़े लोगों ने पानी में कूदकर वैन में सवार लोगों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। कुछ ही देर में नदी से वैन गायब हो गई। बताया जा रहा है कि वैन में बैठे 13 साल के किशोर को बचा लिया गया है। किशोर वैन से किसी तरह कूदकर तैरते हुए किनारे पर आया। वैन में सवार लोग राखी मनाकर लौट रहे थे। वैन के अंदर अर्जुन, अर्जुन की माँ रेखाबाई, कस्तूरी बाई और बाबू सवार थे। 13 साल के अर्जुन ने किसी तरह वैन से निकलकर नदी पार कर बाहर आया और खुद की जान बचाई। सभी लोग बागली के ग्राम कमलापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वैन में सवार यात्रियों में पप्पू एवं रेखाबाई का शव रपटे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर नाले में मिल चुका है। कस्तूरी बाई और बाबूलाल नामक वैन सवार यात्रियों की तलाश अभी की जा रही है। बेटे तुम्हारा अर्जुन, अर्जुन कहाँ से आ रहे थे? हाटीप्लेस। क्या करने गए थे हाटीप्ले? इलाज। जब हादसा हुआ आप गाड़ी में थे, क्या क्या हुआ? आप गाड़ी चला रहे थे, हाथ धो लिया तो नीचे पड़ गया। ड्राइवर कौन था? ड्राइवर पप्पू। और गाड़ी में कितने लोग थे? 4 जना था। पप्पू था फिर एक तो मैं, मम्मी, देखा भाई, एक कस्तूरी भाई, एक बाबू, एक पप्पू। 4 जना। एक सही, आप 5 से? हाँ। आपने कैसे जान बचाई अपनी? मारुति में आप भी थे? तो मैं पड़ी ने अंदर चली गई तो फिर मैं तीर के ऊपर आई। गाड़ी में से निकल कर तीर के आप वापस आए? आपको किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी? देखिए, हार्ट पिपलिया से कमलापुर की तरफ एक मारुति वैन में 5 लोग जा रहे थे, तो एक नाला पड़ता है बीच में, उस नाले पर पानी का लेवल था थोड़ा, उसमें उन्होंने ये कोशिश की कि उसमें से पार कर लेंगे। 1 फीट के लगभग पानी बह रहा था, लेकिन फिर भी वो वैन पार नहीं कर पाई और वो स्लिप कर गया ड्राइवर, उसके कारण गाड़ी पानी के तेज बहाव में आ गई थी। अभी वहाँ पर एक लड़का तो उसी टाइम पर निकल गया था, उसने भाग के अपनी जान बचा ली थी। बाकी लोग मिसिंग थे, जिनमें से 2 लोगों की डेड बॉडी रिकवर की है। बाकी 2 लोग अभी मिसिंग हैं, या तो वो लोग पानी के बहाव में से अपने आप को बचा पाए थे, तो उनको सर्च की जा रही है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें हमारी होमगार्ड्स की टीम, पुलिस की टीम लगी हुई है।